पुरी जी हाँ? क्या खाएंगे आज? मालपुआ लेकिन आटे का। ओ डाइटिंग जी। ओके हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने पति देव के डिमांड पे मालपुए का रेसिपी लाई हूँ, पर वो भी आटे का मालपुआ, जो कि मेरे पति देव का डिमांड है। तो डाइट पे है फ्रेंड्स, तो इसलिए वो मैदा और इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं थोड़ा। तो मैं सोची कि मैं आटे का ही मालपुआ आप लोगों के साथ की रेसिपी शेयर करूं, ताकि जो लोग डाइट्स पे हैं वो भी इसे एंजॉय कर सके और इस होली को और भी स्पेशल बनाए इस आटे के मालपुए के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आटे का मालपुआ बनाना। आटे का मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले एक यहाँ आप बाउल ले लें, उसमें हम ऐड करेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा। और फ्रेंड्स, ये मालपुआ मैं गेहूं के आटे से बनाना बता रही हूँ। और साथ ही यहाँ मैं ले ली हूँ हाफ कप सूजी। मैं यहाँ बारीक सूजी ली हूँ, आपके पास अगर बारीक सूजी नहीं है तो इसे मिक्सी ग्राइंडर में एक बार ग्राइंड कर ले हल्का। फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि सिर्फ गेहूं के आटे से नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, पर आपको मार्केट जैसा मालपुए वाली टेस्ट चाहिए तो क्रिस्पीपन के लिए मैं यहाँ बस सूजी ऐड की हूँ। साथ ही ऐड कर देंगे इलायची पाउडर और 1 टेबल स्पून शक्कर। शक्कर सिर्फ यहाँ मैं कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। इसके साथ ही ऐड कर दी हूँ मैं 1.5 टेबल स्पून घर का जो दूध के ऊपर का जो मलाई होता है ना, वो आप चाहे तो इसकी जगह पे क्रीम भी ऐड कर सकते हैं या मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सोप का पाउडर भी ऐड किया जाता है, पर उसका टेस्ट मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ। आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैं ली हूँ हल्का गुनगुना दूध। उससे क्या होगा ना, हमारा सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा, इसलिए गुनगुना दूध ही ले और इसे हल्का हल्का डालते हुए इस तरीके से हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बैटर तैयार कर लेंगे। मैं 1.5 ग्लास दूध ली थी, उसमें से देख सकते हैं आप मेरा थोड़ा सा दूध अभी भी बचा हुआ है। और इस तरीके से हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना, इतना दूध बचा है, मतलब 1.5 ग्लास में इतना दूध मेरा बचा हुआ है फ्रेंड्स, मतलब 1.5 1/4 ग्लास मेरा दूध पूरा इसमें लगा है। अब इस तरीके से मिक्स करते हुए हमें एक बैटर तैयार कर लेना है। बैटर का कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कैसा है मेरा, और साथ ही इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए और कंसिस्टेंसी आप यही रखें। साथ ही हम इसे ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट पे देंगे, ताकि आपका जो सूजी है बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। अब हम एक चाशनी तैयार कर लेंगे। हम एक यहाँ फ्राई पैन, कढ़ाई कुछ भी या भगोनी भी आप ले सकते हैं, इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरा शक्कर। आप इस बात का ध्यान रखें, जितना आप शक्कर ऐड करें उतना ही आपको यहाँ पे पानी ऐड करना है। शक्कर और पानी की जो क्वांटिटी है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए फ्रेंड्स। और इसे हमें मिक्स करते हुए चाशनी नहीं कहेंगे, हमें इसका चाशनी नहीं बनाना है, 1 तार का या 2 तार का, 1 तार का, 2 तार का, कोई सा भी चाशनी नहीं बनाना है हमें। बस तब तक इसे पकाना है जब तक इस शक्कर पानी में बिल्कुल अच्छे से घुल ना जाए और एक चिपचिपा सा ये ना हो जाए। साथ ही यहाँ हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इस तरीके से हम इसे रेगुलर चलाते हुए पका लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आप इस तरह से उंगली पर लगा कर देखेंगे तो एक चिपचिपा सा ये हो रहा है, और ये बिल्कुल भी कोई भी तार नहीं बन रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। बस इसी स्टेज पे हम यहाँ कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ। यहाँ हमारा चाशनी बनकर रेडी है, और अब हम इसे ठंडा होने देंगे जब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमारा आटा और सूजी भी अच्छे से फूल चुका होगा, मतलब हमारा बैटर भी यहाँ बनकर रेडी है, देख सकते हैं। अगर आपका इस तरह का कंसिस्टेंसी नहीं है बैटर में, तो आप 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून अपने हिसाब से दूध और ऐड करके, मतलब बैटर का जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल यही होना चाहिए, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है फ्रेंड्स। इस तरह से बैटर कर लें, और अब यहाँ हम ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। और हाई फ्लेम पर आप ऑयल गर्म करें, उसके बाद आप गैस का फ्लेम कर दें मीडियम। ऑयल आपको ज़्यादा नहीं लेना है, इतना लेना है जितना में आपका जो पुआ है अच्छे से डूब जाए। मीडियम फ्लेम पे इसे हम 1.5 मिनट तक एक साइड और 1.5 मिनट तक एक साइड पकाएंगे, मतलब 3 मिनट का प्रोसेस लगेगा। देख सकते हैं कितना फुला फुला हमारा पुआ यहाँ बन रहा है। दोनों साइड हम इस तरह से बिल्कुल सेक लेंगे गोल्डन कलर आते तक।
जो पुआ का कलर होता है उस तरह का कलर लाना है हमें, इसलिए हमें दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सेकना है और मीडियम फ्लेम पे इसलिए सेकना है क्योंकि ये कच्चा ना रहे और क्रिस्पी बने जैसा हम बनाना चाहते हैं। अब दोनों साइड सेकने के बाद ये हमारा पुआ का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और ऑयल हमारा गर्म है। अब इसी जगह पे हम दूसरा पुआ भी अपना तल लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप, गैस का फ्लेम मीडियम रखें और आपको जैसा बड़ा जितना बड़ा बनाना है एक चम्मच या दो चम्मच अपना ऐड कर दें। आपको अगर ज़्यादा बड़ा बनाना है तो दो चम्मच ऐड करें, डेढ़ चम्मच ऐड करें। और हमारा जो पुआ तल कर रेडी था उसको हम ऐड कर देंगे इस चाशनी में और इसके हम चाशनी को पुए के ऊपर बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेना है। मतलब दो मिनट का समय हमें रखना है इस चाशनी के अंदर, सिर्फ दो मिनट रखना है चाशनी के अंदर, ज़्यादा देर नहीं रखना है। और ध्यान रखें अगर आपका चाशनी ज़्यादा ठंडा हो गया हो ना तो हल्का गुनगुना और कर ले, मतलब बिल्कुल ठंडे चाशनी में आपको इस पुए को नहीं ऐड करना है, गुनगुना होना चाहिए, हल्का सा हल्का गर्म होना चाहिए मतलब। और जब तक आप एक पुआ तलेंगे ना उतने देर तक आपका चाशनी के अंदर रहना चाहिए। जैसे ही आपका एक पुआ तल जाए, देख सकते हैं हमारे पुआ बिल्कुल परफेक्ट यहाँ फूले फूले बन रहे हैं, तो हम इस पुए को निकाल लेंगे। यह हमारा हो गया है दो मिनट, देख सकते हैं आप। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में इस तरह से। हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आटे का मालपुआ बन रहा है फ्रेंड्स। दूसरे को भी हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसे भी हम चाशनी में ऐड कर देंगे। हमारा दोनों तरफ से ये पुआ बिल्कुल पक चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका जो कलर है कितना अच्छा आया है। अब इसे हम गर्मा गर्म चाशनी के अंदर डाल देंगे ताकि ये जो पुआ है ना बिल्कुल अच्छे से चाशनी में मिक्स हो जाए और हमारा बिल्कुल परफेक्ट मालपुआ यहाँ बनकर रेडी हो जाएगा इस तरह से। आप इस तरह से एक बार ज़रूर अपने घर पे मालपुआ बनाइएगा फ्रेंड्स। ये जो हमारा आज का वीडियो है होली स्पेशल है फ्रेंड्स, तो इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये मालपुआ है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। बाकी सारे बचे मालपुआ आप इसी तरह से तल लें, चाशनी में डिप कर लें और हमारा यहाँ मालपुआ बनकर रेडी है। अब इसे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से गर्मा गर्म आप सर्व करें और अपने इस होली को और भी खास बनाएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपना न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरी गुड़िया कितनी एक्साइटेड है खाने के लिए। अब मैं इसे गर्मा गर्म अपनी पतिदेव के पास लेकर जा रही हूँ, उन्हें सर्व कर रही हूँ, देखती हूँ वो क्या बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये काफ़ी कम समय में बन जाता है, विद इन 30 मिनट्स में मैं इसे बना ली हूँ जैसा कि आप सब देख रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो अब मैं आप लोगों को इसे तोड़कर दिखाती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा जूसी और टेस्टी बना है हमारा मालपुआ। देख सकते हैं बिल्कुल अंदर तक ये कितने अच्छे से सिका है और कलर काफ़ी अच्छा आया है, साथ ही काफ़ी ज़्यादा ये जूसी भी है। पतिदेव का कॉम्प्लीमेंट है, बहुत अच्छा है।